Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me, Damini, and I all welcomes you to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के संग एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है वो स्टेमियो ब्रांड से रिसीव हुआ है और ये कोलैबोरेशन वीडियो है. गाइस देखो, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, ये कोलैबोरेशन वीडियो है. बट इसका मतलब ये नहीं कि कोलैबोरेशन की वजह से मैं प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा से बढ़ चढ़ के ये नो तारीफें करूं या फिर कुछ भी आपको फेक रिजल्ट बता दूं. नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाली हूं. मैंने पर्सनली इसको 2 दिन अपने ऊपर टेस्ट किया है. जब मैं सेटिस्फाइड हुई हूं उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं. ठीक है, तो चलिए मैं आपको ब्रांड बता देती हूं. तो जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूं वो ब्रांड है ये, विच इज कॉल्ड द स्टेमियो एलोवेरा जेल, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूं. अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो इनके ब्रांड के प्रोडक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर और एमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनकी पैकेजिंग की. तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड इट कम्स इन अ 200 ml नेट वॉल्यूम ऑफ दिस जेल. तो ये 200 ml जेल आपको इसके अंदर रिसीव होगा एंड ये लोग क्लेम करते हैं दैट इट इज प्योर एंड नेचुरल एंड नो एडेड आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्रेग्रेंसेस. तो ये सही है. एक्चुअल में मुझे ये बहुत ज्यादा नेचुरल एंड प्योर भी लगा है. साथ ही साथ ना ही मुझे इसमें कोई कलर और ना ही कोई फ्रेग्रेंस कुछ भी देखने को नहीं मिला है. जो जनरली मैंने फील किया है, मैं अदर ब्रांड्स के जो एलोवेरा जेल है वहां पर मैंने फ्रेग्रेंसेस भी फील की है, तो मुझे वो पर्सनली सुटेबल नहीं हुए. तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मुझे पहले लग रहा था, डाउट हो रहा था कि ये एक्चुअल में नेचुरल है भी या नहीं, राइट. तो जब मैंने इसको पर्सनल यूज करा देन आई मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में मुझे तो समहाउ बहुत ज्यादा नेचुरल लगा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये. ठीक है ना, अब आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसका यूज क्यों करें. हमारे घर में तो एलोवेरा प्लांट्स भी हैं और हम तो पतंजलि के भी यूज करते हैं, अदर ब्रांड्स के भी यूज कर सकते हैं. सी गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस ब्रांड से एलोवेरा जेल लेना है या अदर ब्रांड्स का लेना है. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. तो मैं अपना रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए शेयर कर रही हूं आप लोगों के संग. बाकी मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूं लेना या ना लेना, इट्स ऑल अप टू यू, राइट. एंड दूसरी चीज, आप लोग जो बोलेंगे कि एलोवेरा प्लांट्स के बारे में बता दो, तो हर किसी को एलोवेरा प्लांट भी सुइटेबल नहीं होता है. फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैं एलोवेरा डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करती हूं तो विद इन अ मिनट मेरे फेस पर जो है ना इचीनेस भी स्टार्ट हो जाती है और थोड़े 1 या 2 दिन के अंदर मेरे फेस पे पिंपल्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है ना. तो मुझे इसको भी यूज करने में पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि अभी ब्रांड्स के जो एलोवेरा जेल अगर मैंने यूज करे हैं तो मुझे कोई भी डिफरेंस तो पहली बात मुझे दिखा ही नहीं, राइट. तो मुझे लगा कि ये भी ऐसी वेस्ट ऑफ मनी या फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा मेरे लिए. बट मैंने अप्लाई किया एंड आई एक्चुअली फील दैट कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड सफल बन गई है, राइट. तो ये मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ कि आपकी स्किन को, सबसे पहले तो जो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है एंड स्टेमियो एलोवेरा जेल टेंड्स टू प्रोवाइड हाइड्रेशन टू द स्किन एंड लाइकली टू गिविंग अ ग्लोइंग स्किन एंड हेल्प टू मॉइस्चराइज एंड नरिशेस द स्किन एज वेल एज ये आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है. साथ ही साथ आपकी स्कैल्प में कोई भी इरिटेशन, इचीनेस और ड्राइनेस है तो उसको भी ये ठीक करता है. आप नॉर्मली भी एलोवेरा प्लांट को अपने हेयर्स में लगाते हैं और आप इसको भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोथ मैन एंड वुमेन कैन यूज दिस. मी एंड माई हस्बैंड बोथ यूजिंग दिस प्रोडक्ट टू, राइट. तो ये हो गया इसकी डिटेल. अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूं. तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी. ये आप देख सकते हैं जो नॉर्मल एलोवेरा जेल होता है ये बिल्कुल वैसा ही है. साथ ही साथ ये काफी अच्छा थिक क्वांटिटी में है एंड मैं आपको इसका बताती हूँ कि इसका जेल किस तरीके का है. जो नॉर्मली जेल होते हैं वैसा ही है. कोई भी इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है ना. तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ अपनी स्किन पर. तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो जेनरस अमाउंट अपने लेनी है अपने फेस पर, नेक पर, आपको जहां पे भी लगाना है. फिर वहां पर आप इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे एंड थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ देंगे. तो थोड़ा आपको लगेगा कि मेरी स्किन चिपचिपी हो रही है या फिर टाइट हो रही है, पर विद इन अ सेकेंड आपका थोड़ी ही देर में जो है पूरा का पूरा एलोवेरा जेल आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगी, राइट. तो इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है. मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप जैसे देख रहे हैं, ठीक है ना. अब मैंने ये अप्लाई कर दिया है तो ऑलमोस्ट जो है ना ये थिक हो गया है मेरी स्किन पर, ठीक है. अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो ये नॉर्मल हो जाएगा. अब मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कितना ज्यादा ग्लोई है, राइट.
अगर मैं पैकेजिंग एंड क्वांटिटी क्वालिटी की बात करूँ, ये सब चीज में बहुत ज्यादा अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इवन नेचुरल एलोवेरा जैसा ही आपको फील होगा। एलोवेरा नेचुरल, एलोवेरा जो नेचुरल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फील होगा। बट द ओनली डिफरेंस इज कि किसी किसी को वो नॉर्मल जो प्लांट एलोवेरा है वो सूट नहीं होता है, और आप उसको ज्यादा दिन कंज्यूम करके उस जेल को नहीं रख सकते, बट आप इसको रख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, तो चलिए, ये मेरी स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है, एंड ये मेरी वो हैंड है जिसमें मैंने कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए मेरी स्किन कितनी ज्यादा ड्राई है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। और ये एक हैंड पे मैंने ये एलोवेरा जेल लगाया है, तो आप ये देख सकते हैं, शाइन देख रहे हैं, आप लोगों को शाइन दिख रही होगी, मैं आपको स्क्रैच करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी स्किन इतनी मॉइस्ट है कि कोई स्क्रैच नहीं दिख रहे हैं, बट अगर मैं इस पे स्क्रैच करूंगी ना, ये देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं आप लोग डेफिनेटली बाय कीजिए। दिस स्टेमियो एलोवेरा जेल इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर टू, बिकॉज इट इज प्योर नेचुरल एंड केमिकल पैराबेन सल्फेट्स फ्री, इट इज फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे स्किन और हमारे हेयर्स के लिए खराब हो सकता है। ऑलराइट, तो ये रिव्यू था इस प्रोडक्ट का। इसके मुझे दो प्रोडक्ट्स और रिसीव हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट के रिव्यू मैं आप लोगों के संग अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या फिर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिन्होंने यूज किया है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ऑलराइट, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।